नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम देशों के नेता अभी समरकंद में एससीओ की मीटिंग में मिले थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जब 1-to-1 मुलाकात हुई थी तो उसमें मोदी ने सुझाव दिया था और साफ शब्दों में कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। आपको बता दें कि 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है जो 7-7.5 महीने से बेनतीजा है। इसके बाद मोदी के बयान की, मोदी की बातों का दुनिया भर में समर्थन किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर के और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो तक अपने अपने हिसाब से गुणगान करते रहे। लेकिन इसी दौरान रूस ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 20% है वहाँ पर 20 सितंबर को जनमत संग्रह का ऐलान किया। सैनिकों की लामबंदी और रूस के पास उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करना, जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन भी है, ऐसा कह करके पुतिन ने दुनिया को डराने की कोशिश की। पश्चिम ने उसी हिसाब से रिएक्ट भी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध का अंत क्या होगा? क्या पुतिन सिर्फ धमकी दे रहे हैं, या जिस तरीके से क्रीमिया पे उन्होंने कब्जा किया वही फिर से पूर्वी यूक्रेन में करने जा रहे हैं? कहीं तो युद्ध खत्म होगा, कोई तो बीच में आएगा। मान लीजिए कि इन्होंने जो लामबंदी शुरू की है सैनिकों की और जो परमाणु हमले की धमकी दी है, इससे भी बात नहीं बनती है, तो क्या वो परमाणु हमला कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जनमत संग्रह होने के बाद क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या क्रीमिया की तरह यूक्रेन मान जाएगा? बहुत सारे अनुत्तरित सवाल है। और जो हकीकत है वो ये है कि पुतिन भी कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस गए हैं। पश्चिम लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है और अभी भी वो बेपरवाह है। तो सुनिए कि अब वहाँ की क्या है स्थिति और कैसे संकट में है पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब देश के लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा होता है तो हम रूस अपने लोगों की रक्षा के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करेंगे, ये कोई झांसा नहीं है। जो नवीनतम वृद्धि 20 सितंबर को यूक्रेन के उन क्षेत्रों में की गई है जनमत संग्रह की घोषणा के बाद हुई है जिन पर वर्तमान में रूस का कब्जा है, यह यूक्रेन में तेजी से बढ़ रही विकट स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए रूसी राष्ट्रपति का दांव लगता है। इंटरनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन के पूर्व में जनमत संग्रह के माध्यम से क्षेत्र पर कब्जा करने की रूस की योजना एक स्थापित प्रथा का अनुसरण करती है। यह युद्ध में वृद्धि का एक नया दौर भी बनाती है जो पिछले 7 महीनों में पुतिन के अनुसार नहीं चल रही है। मार्च 2014 में रूस द्वारा प्रायद्वीप पर कब्जा करने के बाद जल्दीबाजी में जनमत संग्रह के आधार पर पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और फरवरी 2022 में यूक्रेन में रूसी सेना को भेजने से कुछ दिन पहले उन्होंने डोनेट्स्क और लुहांस गणराज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 2014 से रूस और उसके स्थानीय साथी पर्दे के पीछे इन क्षेत्रों में शांति सेना की तैनाती कर रहे थे। पुतिन ने मात्र 2 दिन बाद ही यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध के लिए इन्हीं क्षेत्रों को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जो कि पूर्वी यूक्रेन कहलाता है। पिछले कई हफ्तों में मॉस्को ने इनमें से कुछ क्षेत्रों को फिर से खो दिया है। तेजी से यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, रूसी सैनिकों को खदेड़ रहा है, लेकिन अभी भी 90,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का कब्जा है जो कि ज़्यादातर डोनबास क्षेत्र में और यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में है। क्रेमलिन द्वारा डोनेट्स्क, लुहांस और जापोरिजिया खेरसान क्षेत्रों में बड़े हिस्से में तैनात अस्थायी अधिकारियों ने जब मॉस्को से कहा कि वह इन क्षेत्रों को रूसी संघ में शामिल करने के लिए जनमत संग्रह कराए। जनमत संग्रह 23 और 27 सितंबर के बीच होने की संभावना है। रूसी संसद से उम्मीद है कि वह पुतिन के हस्ताक्षर करने के बाद शीघ्र ही किसी निर्णय की पुष्टि करेगा। 2014 में क्रीमिया में भी इसी तरह की प्रक्रिया हुई थी। तरह क्रीमिया पे रूस ने कब्जा किया था, अब इस बात की संभावना कम है कि कीव यानी कि यूक्रेन और उसके पश्चिमी साझेदार इस तरह के किसी भी सौदे को स्वीकार करेंगे जो मॉस्को को फिर से संगठित होने और अगले कदम की योजना बनाने के लिए समय देगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रा और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज समेत यूक्रेन और पश्चिमी नेता इस बारे में बहुत पहले ही
कह चुके हैं। जनमत संग्रह के घोषणा और वे जो कुछ भी कहते हैं वह पश्चिम के लिए एक सीधी चुनौती है। नाटो और यूरोपीय संघ में नीति निर्माताओं को एक यूक्रेन का समर्थन जारी रखने के लिए अब रूस हमलावर ठहरा रहा है। इससे रूस और पश्चिम के बीच सीधे टकराव का खतरा बढ़ जाएगा और एक बार फिर रूस के परमाणु हथियारों का सहारा लेने की आशंका बढ़ जाएगी। इस सबसे सवाल उठता है कि पुतिन कितनी दूर जा सकते हैं और कितनी दूर जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा ब्लैकमेल भी नाटो और यूरोपीय संघ के सदस्यों को तोड़ नहीं पाया। पुतिन के समर्थक कम है और जो समर्थक हैं वो दूर हैं, ईरान, सीरिया, उत्तर कोरिया और म्यांमार। चीन रूसी तेल और गैस खरीद सकता है लेकिन खुल करके साथ देना उसके लिए भी मुश्किल काम है। तो क्या पुतिन बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गए हैं? सिर्फ जनमत संग्रह, लामबंदी और धमकियाँ काम आने वाली नहीं है, ऐसे में भारत जैसे देशों की भूमिका बढ़ जाती है। जैसा कि आपने सुना, पूरी स्थिति यह है कि वो किसी तरीके से जनमत संग्रह करा करके उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले करके और इस युद्ध से निकले, लेकिन क्या पश्चिम इसकी इजाज़त दे देगा, यूक्रेन इसकी इजाज़त दे देगा? क्योंकि खुद पुतिन कह रहे हैं कि पश्चिम नहीं चाहता है कि शांति हो, वो यूक्रेन को लड़ा रहा है। अदरवाइज यूक्रेन से बहुत अच्छी शांति वार्ता शुरू हुई थी लेकिन यूक्रेन पीछे हट गया। जो रूस से खबरें मिल रही है या जो रूस में घटनाएं हुई है उससे भी साफ लग रहा है कि पुतिन परेशान हैं और उनके विरोधी वहां पे एक्टिव हो रहे हैं। परमाणु हमला इतना आसान नहीं है, परमाणु हमले के बाद रूस और अलग थलग पड़ जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये जो तीन कदम उन्होंने उठाए हैं उसके बाद, अभी तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है, जमीन पे कितना उतार पाते हैं और कैसे उतार पाते हैं और फिर उसका नतीजा क्या होता है। रहिए ना एक बार, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।